नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, कैसे करेंगे मलका पाल के 6 सालों में उनकी मुहिम बिहार के आम जनता के लिए नासूर बन चुकी है। 6,32,000 दलित गरीब जेल में जा चुके हैं। क्या एक भी नेता पदाधिकारी या अन्य संस्था के लोग दारू नहीं पीते हैं? क्या उन लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए? क्या सिर्फ गरीब दलित ही जहरीली शराब से मरता रहेगा? क्या यह शराब दलित गरीब और अत्यंत दीन दुखियों के लिए ही मारने की तैयारी की है? जब भी बिहार में जहरीली शराब से लोग मरे हैं उसमें लगभग 99% लोग या तो दलित होते हैं या तो अत्यंत दीन गरीब होते हैं या तो मजबूर लोग होते हैं। ये 6,32,000 लोग में कोई पैसे वाला, कोई नेता, कोई बेचने वाला, कोई माफिया या कोई पदाधिकारी क्यों नहीं है? मेरा आग्रह है कि जब देश में जिन जिन स्टेट ने दारू बंदी के बाद उसे वापस लिया, इवन एक गुजरात जहां गांधी जी का है, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना के बाद इतना लगातार देश और दुनिया में जब हमारी इकोनॉमी लगभग कोलैप्स हो चुकी है, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो चुकी है, आम आदमी के पैसे थाने और वकील और कोर्ट में जा रही है, जेल में रहने के बाद उसका परिवार बिखर गया और लगभग जहरीली शराब और अनस्मैक ड्रग से लोग मर रहे हैं। शराब तो शराब लगभग 95% से 98% यूथ के हाथ में ड्रग्स स्मैक्स और कोरेक्स जा चुका है। यह एशिया का सबसे बड़ा स्मैक और ड्रग्स बाजार बिहार बन चुका है। इस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? अब कब, अब कितनी मौत के बाद एक टाइम और कितना मौत होगा तो हम सब यह गाइडलाइन तय कर देंगे कि इस मौत के बाद अब शराब ना बचेगी या नहीं तो हम फिर तरीके बदलेंगे। आपकी मुहिम पर मेरा शक नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। जिद पर हम नहीं कुछ कर सकते। हाई कोर्ट ने गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि शराब के कारण अत्यधिक भार पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप कानून गलत बनाते जाएं और मैं बेल रिजेक्ट करता जाऊं। बीजेपी जो सबसे बड़ी घटक दल है वो लगातार नारी खोखी की लड़ाई जो गांव में होती है, नूरा कुश्ती, वो कंप्लीट रूप से उनके नेता शराब बेचवाने में, बनाने में, शराब लाने में इन्वॉल्व हैं। 4 दर्जन से अधिक बीजेपी के नेता शराब पीने में, बेचवाने में, शराब पीने में पकड़ा चुके हैं। और वो लगातार नीतीश जी पे हमला कर रहे हैं, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरे तरफ हाई कोर्ट, तीसरे तरफ उसके घटक दल का नेता। संजय जायसवाल जी लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन मिली हुई है, तो क्या प्रशासन में सिर्फ थानेदार हैं कि डीआईजी भी, एसपी भी, जो प्रभारी मंत्री हैं वो बीजेपी के नहीं हैं, जिनको जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है?
ये जो प्रभारी मंत्री हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? क्या वहां के एसपी किन जहां भी शराब बिक रही है, जो शराब बेच रहे हैं उन माफियाओं का पता है? एसपी, कलेक्टर, वहां के लोकल एमएलए, एमपी, वहां के मेयर, वहां के मंत्री प्रभारी सबको पता है। बिना नेता के संरक्षण के इन माफियाओं की, बिना थानेदार के इन माफियाओं की, इन शराब माफियाओं का दुकान नहीं चलता। सिर्फ थानेदार को ही सस्पेंड क्यों? मैं चाहता हूं घटक दल के मंत्री और अध्यक्ष नालंदा जाए। सबसे ज्यादा बिहार में जहरीली शराब और उसकी फैक्ट्री कहीं है तो वो नालंदा, सोसरा और हरनौत में, पूरा का पूरा इलाके का बंदरबांट। इसीलिए हम लगातार शराब से जहां जहां मरे हैं, पहले भी सभी जगह 20,000 रुपया हमने मदद की है उसकी जिंदगी के लिए, क्योंकि 99% दलित है, गरीब है। हमने बायफर्केशन नहीं किया। महतो, जादव, पासवान, डोम, राम सब मरे, सबकी मदद किए। कुछ नेता एक जगह जाके स्वजातीय जगह जाके लौट जाना, ये क्या सवाल है भाई? बहुत क्लियर है हम कि हम बीजेपी जो आज जबरदस्ती एक महासदी के महानायक पर विवाद नारी खोकी के तीर कर रहा है, वो शराब या अन्य मुद्दों को भटकाने के लिए आज जबरदस्ती गाली गलौज शुरू किए हुए दोनों। कोई मुद्दा नहीं बिहार में, बस दोनों घटक दल नुका छुपी का खेल। इसीलिए गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी 2022 को हमारी पार्टी ने जहरीली शराब के खिलाफ मृतकों को, परिवार को 5 लाख और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार और सस्पेंड करने, ड्रग्स माफिया को, शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्यव्यापी धरना देगा। यही हमारा उनके जयंती पर, पुण्यतिथि पर संकल्प होगा। कर्पूरी ठाकुर जी का सिर्फ ये मनाने वाले लोग नहीं, उस दिन पूरे बिहार में जहरीली शराब माफियाओं के खिलाफ हम मुहिम शुरू करेंगे। नीतीश कुमार जी मुझे सहयोग करें, आपने शराब माफिया नहीं रोक पाए ना, आप हमको 2 महीने का समय दें और प्रशासन हमें कानूनी सहयोग करें। 3 महीने के अंदर यदि इंटायर शराब माफिया को नष्टो नाबूद न कर दिया तो फिर मेरे पैदाइश में फर्क होगा। आप हमें कानूनी शेल्टर दें। एक भी जहरीली शराब की दुकान खुल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके शासन और प्रशासन आपके पीठ में चूड़ा भोग रहे, गद्दारी कर रहे हैं। आपके नेता आपसे गद्दारी कर रहे हैं, आपका घटक दल गद्दारी कर रहा है। आप पप्पू यादव को प्रोटेक्ट करिए या तो ये विभाग हमें दे दीजिए। बिहार में जो जहरीली शराब बनाने वाला और ड्रग्स बेचने वाले का पप्पू यादव को खबर देगा वीडियो के साथ, हम उसे 25,000 रुपया इनाम देंगे। 25,000 रुपया इनाम देंगे। और सरकार को पकड़ करके देंगे। जनता को अधिकार दीजिए आप। यदि आप शराब बंद करना चाहते हैं इतना आप है तो, और पूरी जिम्मेदारी आप थोप दीजिए जो चुनाव लड़ते हैं लोकतंत्र में उस पे, सिर्फ पदाधिकारी पे नहीं।